नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंचूतरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अब दिल्ली में भी एक्शन दिखाने लगा है। यहां ओखला क्षेत्र में मदनपुर खादर गांव में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की 1200 वर्ग मीटर जमीन पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया गया है। इस जमीन पर कथित रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासियों ने अवैध रूप से कब्जे कर रखे थे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक डॉक्टर महेंद्र सिंह ने मदनपुर खादर गांव में बुलडोजर एक्शन का वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। इसमें उन्होंने लिखा, दिल्ली में फिर से चला योगी का बुलडोजर। योगी सरकार की दिल्ली में बड़ी कार्यवाही, मदनपुर खादर में सुबह 4 बजे कार्यवाही कर सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे से रोहिंग्या कैंपों को हटाया गया और अवैध कब्जे तोड़े गए। यूपी सिंचाई विभाग की 2.10 हेक्टेयर जमीन मुक्त कराई गई है। बता दें कि दिल्ली के मदनपुर खादर में जिस जगह पर रोहिंग्या कैंप बसा हुआ था वह जमीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की थी। धीरे धीरे इन रोहिंग्याओं ने झुग्गी झोपड़ी के बाद पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए थे, जिसके खिलाफ अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कार्यवाही की गई है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।